नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में आज बात करेंगे साइकिल वालों के अंदर के राज की, यादव परिवार में दंगल के आगाज की, टीपू सुल्तान बनाम पापा पहलवान की, चाचा के दाव से चित होते भतीजे की, सफाई महाभारत के आखिरी नतीजे की। तो शुरू करते हैं राजनीति। दंगल का ये पहला दौर नहीं था, ना ही पहली बार ऐसा परिणाम आया था। हर बार हार मिली अखिलेश को, चाचा हर बार चौधरी साबित हुए, अखिलेश हर बार कपड़े झाड़ अखाड़े में उतर आए, लेकिन कोई भी दाव नहीं चल पाया और चाचा ने छठी बार छठी का दूध याद दिलाया। आखिर बापू जो सियासत के लिए हानिकारक है। दंगल, 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 दंगल। शायद अखिलेश भूल गए कि वो टीपू सुल्तान है तो पापा अपने जमाने के पहलवान, और उन्हें टीपू बनाकर फिर सुल्तान बनाने में पापा का योगदान था, और जब पापा पहलवान तो टीपू बन गया सुल्तान। वक्त बदलते बदलते वरदहस्त पलटकर हाथ मिलाने पर आ गया और दंगल में आ गए टीपू सुल्तान बनाम पापा पहलवान। पटखनी पर पटखनी, फिर पलटवार, लेकिन पापा तो पुराने पहलवान है। हर मौके पर मात खाई मुख्यमंत्री ने, फिर झाड़ कर खड़े हो गए, ललकारा, लड़े, लेकिन मुलायम के कठोर दाब के आगे फिर धराशायी हो गए। आखिर दंगल में दौर बदला और चाचा भतीजे में दो दो हाथ हुई। पुराने पहलवान रेफरी थे, दाब किसी का था, लेकिन पॉइंट देने वाले मुलायम ही थे, और अब फिर छठी बार छका दिया अखिलेश को और प्रत्याशियों की सूची में ऐसा किया कि घुटनों पर आ गए दंगल में दो दो हाथ करने वाले अखिलेश। ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले 5 बार अखिलेश के पैतरे पस्त हो गए। मुख्तार पर हार गए अखिलेश, कौमी एकता दल के मामले में अखिलेश कच्चा खा गए, कौमी एकता दल से कटुता की खाई बढ़ी, फिर अखिलेश ने मुंह की खाई, विलय का ऐलान हुआ, घमासान मचा, अखिलेश ने फैसले को पलट दिया, लेकिन तमाम दाव को दरकिनार करते हुए कौमी एकता दल से एकता हो गई। और ऐसी हुई, अफजाल शिकबतुल्ला को टिकट मिल गए, और मऊ के लिए तो मुख्तार का बेटा ही कह चुका है पापा का टिकट पक्का है। पुत्र प्रेम पर भारी अमर प्रेम, अखाड़े में अगली पटखनी मिली अमर सिंह को लेकर, अखिलेश के विरोध के बाद भी अमर सिंह के नेताजी के साथ नजर आने, और उसके बाद वापसी पर नाक भौं सिकोड़ने का दौर चला। आखिरकार अमर सिंह राज्यसभा पहुंचे और पार्टी में महासचिव का पद पा गए। अखिलेश ने दलाल बोला, मुलायम ने भाई कहा, पापा पहलवान का दाव टीपू सुल्तान पर फिर भारी। गायत्री पर गच्चा खा गए अखिलेश। दंगल में बार बार असफल दाव चल रहे अखिलेश ने इस बार गायत्री प्रजापति के सहारे पैतरा चलने की सोची, और पर कतर दिए गए प्रजापति के, खनन मंत्री की जड़ें खोद दी गई। शोर थमा भी नहीं था कि 1 घंटे के अंदर ही राजकिशोर सिंह भी बर्खास्त कर दिए गए। ये फैसला बहुतों को पसंद नहीं आया, मन मैले हुए, दंगल में नया दौर शुरू हुआ। फिर अखिलेश गायत्री पर गच्चा खा गए और प्रजापति फिर से पद पा गए। ये अखाड़े में अखिलेश की एक और हार थी, अब टिकट भी मिल गया मंत्री जी को, और राजकिशोर तो भाई ब्रजकिशोर समेत साइकिल से विधानसभा जाने को तैयार है। शिवपाल की ताल से अखिलेश बेहाल, पापा पहलवान है तो चाचा भी कम चौधरी नहीं, और अखिलेश से पहले भाई से परिचित हैं और पैतरे भी पहले सीखे। चाचा राम गोपाल का एक लेटर बम से भी भारी था। एक ही दांव में अखिलेश से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया गया और चाचा सूबे में संगठन के चौधरी बन गए। गुस्से में अखिलेश ने शिवपाल से विभाग छीन लिए, नेताजी अभी भी रेफरी थे और चाचा भतीजे आमने सामने। दंगल अब जोर का सजा था,
चाचा ने संगठन में अखिलेश समर्थकों का सफाया करना शुरू कर दिया। अगली बार अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल से बिल्कुल बाहर कर दिया और शिवपाल ने अखिलेश के लिए संगठन में कोई जगह नहीं छोड़ी। यानी चाचा का दाव अखिलेश पर भारी था। अखिलेश के करीबियों को कोने में समेटा, दंगल में दाव चले जा रहे थे। अखिलेश के करीबी संगठन से बाहर कर दिए गए तो अखिलेश ने फिर खड़े होने की सोची और अपने करीबियों को नया ठिकाना दिया, जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट। लेकिन किसी भी समर्थक को सपा रजत जयंती समारोह में घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि चाचा करता धरता थे कार्यक्रम की। माफी भी मांगी समर्थकों ने मुलायम सिंह से, लेकिन करीबियों की गिनती ना 3 में हुई ना 13 में। एक और हार थी अखिलेश के लिए। टिकट सूची में घुटनों पर ला दिया। सबको इंतजार था फाइनल मैच का और जोरदार लड़ाई की भी उम्मीद थी। कोई भी टिकट पर भयंकर टकराव हुआ। अखिलेश ने अपनी सूची नेताजी के पास भेज दी। शिवपाल ट्विटर पर बोले, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। 2 दिन बाद ही नेताजी पन्ने लेकर सामने आ गए और ऐसी लिस्ट बनी कि अखिलेश को घुटनों पर ला दिया। अखिलेश की सूची के दर्जनों नाम गायब थे। करीबियों के पर कतर दिए गए, विरोधियों की बल्ले बल्ले हो गई और अखिलेश दंगल में धराशायी दिखाई देने लगे। टीपू सुल्तान बनाम पापा पहलवान के बीच चाचा चमक उठे और अखिलेश अखाड़े में हारे योद्धा की तरह नजर आने लगे। आखिरकार टिकट के लिए ही तो सारा टकराव था और यहाँ पर चाचा ने भतीजे को चित कर दिया और रेफरी मुलायम भी चाचा की ओर खेल गए। बापू सियासत के लिए हानिकारक निकला। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। चुन चुन कर करीबियों के पर कतल दिए गए, अखिलेश को गिन गिन कर गच्चा दिया गया। हर दाव पर धूल उड़ी और धुंध छटी तो सहयोगी साफ दिखे, यानी अखिलेश की सूची पर कैंची चला दी गई। जो भी अखिलेश के पीछे खड़ा दिखा पछाड़ दिया गया। बड़ी लंबी सूची थी अखिलेश की तो कैंची चलाने के लिए भी काफी जगह मिली। आड़ी तिरछी काट दी गई, जो साथ में दिखा सफाया हो गया, जो पीछे दिखा पछाड़ दिया गया। कईयों को जड़ से उखाड़ दिया गया, कईयों को असमंजस में डाल दिया गया। कुछ को पता चल गया कि पत्ता साफ है, लेकिन कुछ को ऐसा फंसाया कि समझ ही नहीं पाए बाहर है या अंदर। होल्ड पर डाल दिया गया। अखिलेश ने दी थी 367 की लिस्ट। लिस्ट में से 80 से ज्यादा नाम उड़ा दिए गए। कई सीटिंग एमएलए को होल्ड पर डाला गया। 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए। राम गोविंद चौधरी, अरविंद गोप, पवन पांडे का पत्ता साफ। अखिलेश के करीबियों को किनारा किया गया। अतुल प्रधान, राकेश छर्रा लिस्ट से गायब। कई अखिलेश समर्थक मंत्रियों को होल्ड पर डाला गया। शिवकांत ओझा, शंखलाल मांझी, अभिषेक मिश्रा, मूलचंद चौहान और यासिर शाह को होल्ड पर डाल दिया गया। कृष्ण गोपाल पटेल, अजीमुल हक, महेंद्र यादव, राजू यादव, राम खिलाड़ी, अबरार अहमद, दीप नारायण, श्याम बहादुर, संग्राम सिंह, संग्राम यादव, विजय सिंह, अभय सिंह, जाहिद बेग और ललई यादव जैसे विधायक होल्ड पर। यानी ये पूरी सूची अखिलेश विरोधी थी। जिन पर सहमति थी उनका नाम लिस्ट में था, बाकी जिस भी अखिलेश समर्थक का विरोध था सूची से गायब था। 36 नाम अखिलेश ने नहीं दिए, वहां अखिलेश का विरोध था लेकिन ध्यान ही नहीं दिया गया। यानी दंगल में अखिलेश के सारे दाव ध्वस्त, अखिलेश की सियासत के लिए पापा ही हानिकारक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। कहते हैं शिव की भक्ति में बड़ी शक्ति है, सभा की सूची में ये फिर साबित हुआ। शिवपाल भक्तों की बल्ले बल्ले नजर आई और विरोध में खड़े लोगों को सियासी शहादत देनी पड़ी। अखिलेश के 82 लोगों को फाइनल मैच में खिलाड़ी ही नहीं बनाया गया, मतलब चाचा की चौधराहट के आगे भतीजा पूरी टीम के साथ चारों खाने चित हो गया।
कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, तो शिवपाल सपा की लड़ाई के सिकंदर निकले। बल्ले बल्ले हो गई उनकी जो शिवपाल को पूछते थे। जो भी शिव नाम में रमा था उसका बेड़ा पार हो गया। अपनों के लिए अखिलेश नाम का हाला भी पी गए शिवपाल और अमृत का पान कराया सुप्रीम कमांडर मुलायम। लीजिए अब चाहे अखिलेश की सेना जितनी भी ब्रह्मास्त्र चला ले, अजय हो चुके थे शिव भक्त। उनको तो वरदान मिल चुका था, शिवपाल का चेहरा विजय मुस्कान से खिल उठा था, तो अखिलेश मुरझाए शासक की तरह हो गए। लिस्ट के खेल में असली खिलाड़ी चाचा चौधरी निकले। हर दाव अखिलेश से पहले, हर दाव को भाई के दम पर जीत लिया। शिवपाल ने समय को मोड़ लिया अपनी तरफ और सपा के शूरमा बन गए। वरना ऐसा भी होता है क्या, सत्ता संभालते हुए भी अखिलेश इतनी हार नहीं हारते। हार ही तो थी, लिस्ट से चहेते 82 लोगों के नाम पर कैंची चल गई। चाचा के चहेतों का बोलबाला दिखा। जो भी अखिलेश के पीछे खड़ा रहा वो वेटिंग ही रह गया। फहरिस्त लंबी है, कृष्ण गोपाल पटेल, अजीमुल हक, अतुल प्रधान, राकेश छर्रा, राम गोविंद चौधरी, पवन पांडे, अरविंद गोप, ललई यादव। आधा घंटा बीत जाएगा उन नामों को पढ़ते हुए। ठीक इसके उलट शिवनाम में डूबे चेहरों से लिस्ट चमक उठी। रामपाल, शिकबतुल्ला अंसारी, अतीक अहमद, अंबिका चौधरी, चुन चुन कर उन चेहरों को मौके दिए गए जो या तो अखिलेश के दुश्मन थे या अखिलेश जिससे अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। अब जरा हर नाम पर गौर फरमाइएगा जो इस लिस्ट में अलंकार की तरह शुमार किए गए थे। अतीक अहमद, जिनकी दबंगई के चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर है। रामपाल के खाट खंभे उखाड़ फेंके थे अखिलेश ने, लेकिन चाचा ने उसे भी उम्मीदवार बना दिया। अखिलेश को ये हार मंजूर नहीं थी, इसलिए वो फौरन कहने लगे नेताजी से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। एक हारा हुआ सिपाही अपने सैनिकों को इससे बड़ी उम्मीद और दे भी क्या सकता था। इस लिस्ट के साथ ही ये साफ हो गया कि फिलहाल पार्टी में चाचा की ही चलती है, उनका ही बोलबाला है और चलेगी उसकी ही जिसको चाचा चाहे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।